महाराष्ट्र के निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने शिवसेना नेता संजय राउत को पोपट कहा है। उन्होंने कहा कि वह संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नवनीत राणा ने कहा कि उन्हें एक नेता लगातार धमकी दे रहा है और गुंडों जैसी हरकत कर रहा है। नवनीत राणा ने कहा, संजय राउत को महाराष्ट्र में पोपट के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुझे 20 फीट नीचे दफनाने की धमकी दी थी। ऐसी भाषा बोलने के लिए मैं पोपट के खिलाफ FIR दर्ज करवाऊंगी। मैं खुद पुलिस स्टेशन जाऊंगी और FIR दर्ज करवाऊंगी। बता दें कि एक दिन पहले ही मुंबई सेशन कोर्ट ने राणा दंपति के खिलाफ नोटिस जारी करके पूछा है कि उनकी जमानत आखिर क्यों नहीं कैंसिल कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि वे दोनों जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। खार पुलिस की तरफ से सरकारी वकील प्रदीप खराट ने कोर्ट में याचिका दायर की है। उनका कहना है कि सेशन कोर्ट द्वारा दोनों पर लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। घराट ने इस बात को भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार ने दोनों की जमानत रद्द करने को लेकर याचिका दायर की है। एडिशनल सेशन जज RN रोकड़े ने इस याचिका पर 18 मई को सुनवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि 18 मई को ही राणा दंपति अपना जवाब फाइल करें। बता दें कि नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को 4 मई को जमानत मिली थी। जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा को मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया था। रविवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। उनके पति ने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भाईकला जेल प्रशासन ने नवनीत की शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में दोस्तों, क्या आप भी नवनीत राणा के बयानों से सहमत हैं? अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।